अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा प्रोस्टिट्यूशन अर्थात वैश्यावृत्ति। इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? इसके भी कॉम्बिनेशन 7, 8 और 12 होते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में बलात्कार रेप का पढ़ा था उसमें भी 7, 8, 12 होते हैं, लेकिन 7 उसमें क्या थे? ओपन एनिमी थे। लेकिन वैश्यावृत्ति में प्रोस्टिट्यूशन में 7वां नंबर हमारे हाउस ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को बताता है, 8वां हमारे सेक्सुअल ऑर्गेन्स इंसल्ट मिसफॉर्चून्स बताता है, और 12वां हमारा हाउस ऑफ लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड बेड को बताता है। हमारे भारतीय कानून के तहत वैश्यावृत्ति सेक्स का व्यवसायीकरण और व्यापार है। चूंकि इसमें 7वां घर इन्वॉल्व है और हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि 7वां घर हमारे व्यापार और वाणिज्य को बताता है, तो क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमने बताया 7, 8, 12। यदि किसी भी जातक की कुंडली में 7, 8, 12 अधिकांशतः ग्रह दर्शाते हैं तो यह वैश्यावृत्ति को बताता है। इसमें हमने जो पिछले जो सेशन में रेप के बारे में बताया था कि राहु और केतु रेप के संदर्भ में 7, 8, 12 के साथ राहु या केतु और साथ में शुक्र होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राहु और केतु क्या है, वो अचानक जो भी हमारे रेप या बलात्कार होते हैं वो अचानक होते हैं, लेकिन वैश्यावृत्ति वैसी चीज नहीं है, ये अचानक नहीं होती है, इसलिए इसमें राहु और केतु की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। यदि हमारे अधिकांशतः ग्रह 7, 8, 12 दर्शाते हैं तो ये वैश्यावृत्ति हमारे जीवन के चक्र में बहुत दिनों तक चलेगी। यदि कभी 7, 8, 12 किसी दशा में ब्रेक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो उस कंडीशन में उस महिला की उस पेशे से बाहर निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। दोस्तों तो हमने यहां देखिए आपको बताया हुआ है कि 7 नंबर जो होता है आपको हाउस ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, 8वां नंबर होता सेक्सुअल ऑर्गेन्स इंसल्ट मिसफॉर्चून, 12वां नंबर लॉस ऑफ रेपुटेशन, इट इज आल्सो हाउस ऑफ बेड, और कॉम्बिनेशन एंड टाइमिंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 7, 8, 12 डीबीए में होना चाहिए और मेजोरिटी प्लेनेट होने चाहिए, मतलब हमारे 9 में से अधिकांश ग्रह 7, 8, 12 बताए। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये जो भी जातक जातिका है वो इस पेशे में संलग्न रहेगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, किसी के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद उसे इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में जबरदस्ती धकेला जाता है, तो हो ना हो जिस समय इस महिला की बलात्कार होगी उस समय डीबीए में राहु या केतु और साथ में शुक्र 7, 8, 12 के साथ अवश्य होगा, और उसके बाद जो आने वाली दशाएं हैं वो भी 7, 8, 12 बहुत ही मजबूती से बताती होगी। साथ में देखा जाता है कि कभी कभी कोई महिलाओं को दूर दराज के गांव से लाया जाता है और उसे रेड लाइट एरिया में भेजा जाता है, फिर वहां उसका बलात्कार होता है, तब फिर उसे इस पेशे में ढकेला जाता है। तो जिस समय ये घटना इवेंट जब घटित हुई होगी उस समय 3, 9, 12 का कॉम्बिनेशन के साथ साथ 7, 8, 12 राहु या केतु साथ में शुक्र अवश्य होंगे, और उसके बाद बाकी सब ग्रह 7, 8, 12 बताते होंगे उनकी कुंडली में, तभी ये प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में गई होगी। अधिकांशतः केस में देखा जाता है कि किसी एनजीओ या सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उन्हें छुड़ा लिया जाता है, तो हो ना हो जो दशा उस समय चल रही होगी उसमें 1, 5, 9, 10, 11 अवश्य होगा, और आने वाली दशा में 7, 8, 12 नहीं होगा तो वो एनजीओ के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उसे रेड लाइट एरिया से छुड़वाया गया होगा,
इस दलदल से उसे बाहर निकाला गया होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्रोस्टिट्यूशन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 7, 8 और 12, ठीक। और 7 में आप देखिएगा कि जो हमारे स्कैंडलस लव अफेयर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं 5, 8 और 12, ठीक है। इस दोनों कॉम्बिनेशन में दोस्तों यदि आप गौर करेंगे, खाली एक घर का अंतर है, प्रोस्टिट्यूशन में 7वां घर इन्वॉल्व है और स्कैंडलस लव अफेयर में 5वां घर इन्वॉल्व, बाकी 8 और 12 दोनों में। तो 7वां घर क्या होता है, 7वां घर हाउस ऑफ बिजनेस होता है, मेरा ट्रेड कॉमर्स होता है। प्रोस्टिट्यूशन के केस में वही स्कैंडलस लव अफेयर केस में 5वां घर हमारे लव, हमारे प्लेजर का घर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति, इसमें कभी भी उसे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा और आगे भी पढ़ेंगे, जहां पैसा इन्वॉल्व हो जाता है दोस्तों, जहां 7वां घर इन्वॉल्व हो जाता है, वहां खुशी खत्म हो जाती है। तो ये अंतर होता है दोस्तों 7, 8, 12, 5, 8, 12 में। मैंने यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं, दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आप कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ केतु देखिए दिखा रहा 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, उसका नक्षत्र राहु है 2, 6, 7, 12 और उसका जो सब लॉर्ड ऑफ स्वामी है 3, 5, 9। यहाँ देखिए 7, 8, 12 बहुत ही मजबूती से दिखा रहे हैं। 7 में आपको शुक्र देखिए, शुक्र 1, 8, 10, 12, उसका नक्षत्र भी शुक्र है 1, 8, 10, 12, उसका जो उप स्वामी है सब लॉर्ड है मंगल है 2, 6, 7, 12। यहाँ भी देखिए कि 8, 12, 8, 12, 7, 12, 7, 8, 12 कॉम्बिनेशन पूरे मजबूती से आ रहे हैं। उसी प्रकार सूर्य देखिए 9 और 10, नक्षत्र शनि है 4, 5, 7 और उसका सब लॉर्ड शुक्र है 1, 8, 10, 12। यहाँ देखिए 7, 8, 12, ये भी मजबूती से आ रहे हैं। फिर मंगल देखिएगा, मंगल 3, 4, 7, उसका नक्षत्र मरकरी है 8, 9, 12 और उसका सब लॉर्ड जुपिटर 3, 5, 9। यहाँ भी 7, 8, 12 आपको दिखा रहे हैं। अब मंगल के बाद आ जाइए आपको चंद्रमा के बाद आ जाइए मंगल। मंगल क्या बता रहे हैं खुद 2, 6, 7, 12, राहु के नक्षत्र में वो क्या बता रहे हैं 2, 6, 7, 12 और जो उप स्वामी है गुरु है 3, 5, 9। यहाँ देखिएगा 7, 8, 12 के पूरे कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे, सिर्फ 7, 12, 7, 12। कहने का मतलब क्या है, 7, 8, 12 कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहा है। उसी प्रकार उसके बाद राहु देखिए, राहु भी 2, 6, 7, 12, उसका जो नक्षत्र है गुरु 3, 5, 9, उसका सब लॉर्ड है शुक्र 1, 8, 10, 12। यहाँ आपको 7, 8, 12 दिख रहे हो लेकिन ब्रेक है। आप देखिए ग्रह में 7, 12 बता रहे हैं और नक्षत्र में कुछ भी नहीं आ रहा, सब लॉर्ड में आपको 8, 12 आ रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये मिल नहीं पा रहा 7, 8, 12। तो यहाँ कमजोर हो गया, यहाँ टूट गया वो कॉम्बिनेशन। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी जो दशा चलती है, केतु, केतु के बाद शुक्र की दशा आती है, उसके बाद आपको सूर्य की आती है, फिर चंद्रमा की आती है, फिर मंगल की आती है, फिर राहु की आती है, फिर गुरु की, शनि की, फिर आपको बुध भी आते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि केतु 7, 8, 12 स्ट्रॉन्गली बता रहा है, शुक्र भी 7, 8, 12 बता रहा है, शनि भी 7, 8, 12 बता रहा है, मून भी 7, 8, 12 बता रहा, लेकिन मंगल 7, 8, 12 नहीं बता रहा, ब्रेक हो रहा है, खाली 7, 12 बता रहा है, राहु 7, 8, 12 बता रहा है, ब्रेक हो रहा, नक्षत्र में एकदम कुछ नहीं आ रहा, मिल नहीं पा रहा। मतलब कहने का मतलब है कि जब ये इस पेशे में उतरी होगी, केतु की दशा होगी या शुक्र की दशा होगी, उसके बाद सूर्य की होगी, फिर चंद्रमा की होगी, मतलब लगातार इनका 7 साल केतु, 20 साल शुक्र होता है, 6 साल आपको सूर्य होता है, 10 साल आपको चंद्रमा होता है, मतलब लंबा पीरियड में ये इस दलदल में फंसी होगी। उसके बाद देखिएगा मंगल से ये ब्रेक हो रहा, मतलब या तो इस दलदल से वो निकल गई होगी या ये पेशा उसने छोड़ दिया होगा, क्या कि उसके बाद राहु भी बता रहा है 7, 8, 12 नहीं, ब्रेक बता रहा है, फिर गुरु भी देखिएगा 7, 8, 12 नहीं बता रहा है, 3, 5, 9
नक्षत्र है 8, 9, 11 और जो उसका सब लॉर्ड है 1, 8, 10, 12, यहाँ भी 7, 8, 12 नहीं आ रहे, फिर शनि में आ रहे, मतलब वो छुट्टी होगी, उस दलदल से निकली होगी। इस प्रकार हमें किसी भी कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। साथ में हमने आपको बोला कि एनजीओ के थ्रू या सामाजिक कार्यकर्ता के थ्रू उसको उस दलदल से निकाला गया होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं राहु में, देखिए 1, 5, 9, 10 आ रहा। मैंने बताया था यदि एनजीओ द्वारा या आपको सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा यदि उस बाहर से निकाला जाता उस समय उसका कंबिनेशन 1, 5, 9, 10, 11 आता होगा। तब यहाँ देख सकते हैं राहु में 1, 5, 9, 10 आ रहा होगा, बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा था नक्षत्र और सब लॉर्ड में। उसी प्रकार आप जुपिटर में देखिए 5, 11, 1, 10, 9 आ रहा, बहुत मजबूती से, बस वो इस दलदल से निकाला गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग कुंडली में नाभि एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि किस समय इसकी इस धंधे में आई होगी, इस पेशे में आई होगी, क्या ये बलात्कार के थ्रू आई होगी या इसे दूर दराज के गांवों से ला के उसे रेडलाइट एरिया में बेचा गया हो, ये भी हम देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3, 9, 12 देखिए केतु में भी आ रहा, जो हमारे दूर दराज के एरिया से किसी को लाए हो ट्रेवल का बताता है। उसी प्रकार देखिए शुक्र नहीं बता रहा है, सन नहीं बता रहा, लेकिन फिर देखिए मून 3, 9, 12 आ रहा है आपको, राहु भी 3, 9, 12 बता रहा, गुरु भी 3, 9, 12 बता रहा है आपको, यहाँ देख सकते हैं साथ में बुध भी 3, 9, 12 बता रहा, मतलब इसे जिसकी कुंडली मैंने लगाया है इसे दूर दराज के गांवों से बहला फुसला कर शहर में लाया गया, उसे रेड लाइट एरिया में बेचा गया और पहले उनका बलात्कार हुआ फिर इसे इस दलदल में ढकेला गया दोस्तों। इस प्रकार हम लोग कुंडली को देखते हैं। अब जो अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो होगा कॉल कर। यदि हमारे वेश्यावृत्ति के प्रोफेशन कॉम्बिनेशन 7, 8, 12 के साथ 10, 11 भी मिल जाते हैं, 10, 11 है, 10वां अगर हमारे नेम फेम स्टेटस बताता है, 11वां अगर लाभ बताता है, अरे वो भी हमारे इस कॉम्बिनेशन में जुड़ जाते हैं तो ये वेश्यावृत्ति के द्वारा बहुत पैसे कमाएगा या कमाएगी। उसी तरह कॉल गर्ल, कॉल गर्ल क्या है, कॉल गर्ल का जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है कॉल गर्ल का वो मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों। कॉल गर्ल का कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं आपको तीसरा घर, पांचवा घर, सातवां घर, आठवां घर, बारहवां घर और दसवां घर, ग्यारहवां घर, या तीसरा घर, पांचवां घर, सातवां घर, आठवां घर, बारहवां घर और दसवां घर, ठीक है। तीसरा घर क्या हमारे कम्युनिकेशंस को बताता है, पांचवां घर हमारे चार्मिंग को बताता है दोस्तों, कि कॉल गर्ल जो होते हैं उन्हें ब्यूटीफुल दिखना बहुत जरूरी है, बोलने चालने की अदा उनमें होनी चाहिए तभी कोई ग्राहक उसके पास जाएगा या उससे कंसल्ट करेगा। और 7, 8, 12 तो आपको खराब है ही, आपको सावन सेवंथ हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस का घर हो गया, आठवां घर हमारा हो गया सेक्स और ऑर्गेन्स का, बारहवां घर हमारा बेड का हो गया और दसवां घर हमारा नेम फेमस स्टेटस, ग्यारहवां घर लाभ होता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में इस प्रकार की यदि कॉम्बिनेशंस रहते हैं तो वो कॉल गर्ल्स की कैटेगरी में आती है। इसी प्रकार कॉल गर्ल्स को भी हमें देखना चाहिए। यदि किसी कॉल गर्ल्स के जो कॉम्बिनेशंस है दोस्तों, यदि इसमें हम लोग 8, 12 को हटा दें, जब कोई एक ही रखे या आठवां रखे या बारहवां, दोनों जब भी हमारे ज्योतिष में छठा घर, आठवां घर, बारहवां घर खराब माना गया है और सबसे ज्यादा खराब आठवां और बारहवां माना गया, यदि 8 और 12 कहीं भी एक साथ रहते हैं बहुत ही खराबी करते हैं, यदि ये दोनों 8, 12 ब्रेक हो जाए या खाली 8वां घर रहे चाहे 12वां घर रहे तो वो खराबी नहीं करता, यदि 8वां साथ 6ठा घर रहे उतनी खराबी नहीं करता, 12वें का 6ठा रहे उतनी खराबी नहीं करता, लेकिन 8, 12 जब मिलते बहुत खराबी करते हैं। यदि हम इसी कॉल गर्ल्स के कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन हटा दें, मान लीजिए कि तीसरा घर, पांचवां घर, सातवां घर, आठवां घर, दसवां घर, ग्यारहवां घर, या तीसरा घर, पांचवां घर, सातवां घर,
बारहवां घर, दसवां घर, ग्यारहवां घर या तीसरा घर, पांचवां घर, सातवां घर, आठवां घर, दसवां घर मान लीजिए खाली, या तीसरा घर, पांचवां घर, सातवां घर, बारहवां घर और ग्यारहवां घर। ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको जैसे यहां से यहां देख सकते हैं, मैं इसको आपको कलर कर देता हूं दोस्तों। ये सारे कॉम्बिनेशन यदि किसी कुंडली में यदि अधिकांश ग्रह में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, फिल्मी दुनिया में बहुत नाम रोशन करते हैं। तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का, पांचवां घर हमारे चार्मिंग का, ठीक है, सातवां घर हमारे बिजनेस का, आठवां घर हमारे शारीरिक सेक्सुअल अंग, शारीरिक अंग का, शरीर दिखाएंगे तब हम नाम कमाएंगे प्रिंट मीडिया में, फिल्म में, दसवां घर नेम फेम स्टेटस, ग्यारहवां घर लाभ, उसी पर का तीसरा पांच सात है। ये सारे कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें सात आठ नहीं है, इकलौता कोई तो आठ या बारह है, ये हमारे आर्टिस्ट का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट का मैं यहां लिख भी देता हूं दोस्तों, आर्टिस्ट, ठीक है, का कॉम्बिनेशन से ये होता है। कॉल गर्ल्स का कॉम्बिनेशन देखिए, आठ बारह जुट गए तो कॉल गर्ल्स हो गए, वो अपने शरीर को बेच कर अपने यौन संबंध के लिए बनाकर वो पैसा कमा लेगी और बहुत कमाएगी। एक दसवां ग्यारहवां घर हमारे लाभ को बताता है। उसी प्रकार यदि वो प्रोस्टिट्यूशन से तीसरा घर इन्वॉल्व नहीं है, पांचवा नहीं है, सात आठ बारह, सात में दस से ग्यारह है तो वो प्रोस्टिट्यूशन में भी बहुत पैसे कमाएगी। तो इसी प्रकार हमें अपने कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट सेशन में चालू करूंगा, मैं कुंडली लगा के आपको समझाऊंगा और हम उसे समझेंगे किस प्रकार इसका जो भी है अपने यौन संबंध से, बलात्कार से या प्रोस्टिट्यूशन से पैसे कमाती है, अर्न करती, कब ये उस पेशे में आई थी। तो चलिए इतना ही आज के लिए काफी है। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।